हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम देसी स्नैक जो हम बहुत सालों से खा रहे हैं, नमकीन और मीठा चीला। तो अगर आप बारिश के मौसम में थोड़ा हेल्दी खाना चाहते हैं कि मुझे पकोड़े तले हुए नहीं खाने, तो फिर ट्राई कीजिए ये बहुत ही डिलीशियस टी टाइम स्नैक और बारिश के मौसम का मज़ा लीजिए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दोनों जो चीले बनेंगे ना उनकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कंसिस्टेंसी इस तरीके से फ्लोइंग होनी चाहिए। तो आइए पहले बनाते हैं मीठा चीला। तो उसके लिए लेंगे हम 1 कप गेहूँ का आटा, उसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक हम लम्प फ्री बहुत अच्छे से विस्क करके बैटर बना लेंगे। गेहूं के आटे में क्या होता है ना गाइस कि गठाने पड़ सकती हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करना है और एकदम लम्प फ्री, एकदम फ्री फ्लोइंग जो कंसिस्टेंसी होती है वो वाला हमें यहाँ पर बैटर तैयार करना है। तो देखिए किस तरीके से मैं लगातार इसे विस्क कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो बैटर रेडी है। तो अब एक नॉन स्टिक पैन पे जस्ट हमें इसे डालने की ज़रूरत है। ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है। ऐसा लगता है कि चीले चिपक जाते हैं, लेकिन ये चीला बिल्कुल नहीं चिपकेगा। फ्लेम आपको हाई रखना है पैन का, क्योंकि आटे का चीला अगर लो फ्लेम पे सेकेंगे तो इसमें शुगर होता है। शुगर को आपने अगर लो फ्लेम पे ज़्यादा देर के लिए सेक लिया तो वो बहुत ही सख्त हो जाएगा, एकदम चबाने में बहुत मुश्किल आएगी। तो ये चीला हमें हाई फ्लेम पे सेकना है। तो एक तरफ से कुक हो जाएगा तो इसे हम दूसरी तरफ से पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आया है। तो बस दोनों तरफ से सिका, इसी तरीके से हम सारे चीले बना बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा तेज गरम तवा है कि जैसे ही बैटर हम तवे पे डालते हैं तो इसमें कितने अच्छे बबल्स आने लग जाते हैं। तो ये चीले आप ज़रूर बनाइए अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं डली है, बिल्कुल गेहूं के आटे से बनाए तो हेल्दी है। तो ये तैयार है चीले, तो एकदम मीठे चीले। इसे तो मैं तो प्रेफर करती हूँ गाइस टैंगी अचार के साथ। आपके पास में मिक्स अचार अवेलेबल है, मिक्स अचार लीजिए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे नमकीन चीले की प्रिपरेशन। तो बेसन चीले के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप बेसन, उसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। तो एक छोटे से अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके डाल दीजिए और इसमें डालिए फाइनली चॉप अनियन, फ्रेशली चॉप कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कुछ अजवाइन के दाने और नमक स्वाद अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका भी हम एक बैटर बना लेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे पानी डालिए, इससे तो क्या होता है गाइस थोड़ा लंप जो है कम पड़ते हैं, इसमें गठाने कम लगती है हमें। तो धीरे धीरे मिलाते हुए इसका बिल्कुल एक हम लंप फ्री बैटर बना लेंगे। गाइस जो बेसन के चीले होते हैं ये भी बहुत कम ऑयल में, मतलब ऑलमोस्ट बिना ऑयल में बन जाते हैं और बहुत टेस्टी ये लगते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इस बारिश के मौसम में और कुछ हेल्दी स्नैक का मज़ा लीजिए जो कि फटाफट से बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो जैसे हमने मीठे चीले को फैलाया था सेम उसी पैटर्न में हम बेसन के चीले का बैटर भी डाल देंगे तवे के ऊपर। और ये जब हमें लगेगा कि नीचे से पक गया है तो धीरे धीरे हम इसके कॉर्नर्स को हटाने लगेंगे।
और इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। तो ये लीजिए गाइस, बिना ऑयल का हेल्दी चीला बनके रेडी है। खाने में बहुत टेस्टी है। बारिश के मौसम के मज़े आप दुगने हो जाएंगे अगर आप इतने अच्छे मीठे और नमकीन चीले बना के खाएंगे तो। तो गाइस ट्राई कीजिए ये रेसिपी भी। तो अब इन चीलों को सर्व कैसे किया जाए, तो गाइस मैंने इसे सर्व करा है। तो चीले को रोल कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग साइज में इसे कट कर लीजिए। इसे कट करके अब हम इसे सिक्योर कैसे करेंगे, वरना तो इसको खाने में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो हम इसमें एक टूथपिक लगा देंगे और इसे सर्व कीजिए तीखी हरे धनिए की चटनी के साथ में और टमाटो केचप के साथ में। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आती है गाइस तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।